रिवीजन करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, और इस चैप्टर की हमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो पहला पॉइंट्स रहेगा न्यूट्रिएंट्स, दूसरी पॉइंट मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में क्या क्या है, देन बैलेंस्ड डाइट की कंसेप्ट हम यहाँ रिविजिट करेंगे, और सेकेंडली देखेंगे, लास्टली देखेंगे हम डिफिशेंसी डिजीजेस, यानी कि डिफिशेंसी डिजीज क्या होते हैं और ये इस डिफिशेंसी डिजीज की रूट कॉजेस क्या क्या है। ओके, सो ये इंट्रोडक्टरी कंसेप्चुअल रिविजन वीडियो रहेगा ताकि आप इस चैप्टर की जो भी कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ सको और इसमें दिए गए जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप बेटर वे में कर सको। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि इस चैप्टर की जो लिटरल मीनिंग है उससे क्लियर हो जाता है कि फूड, यानी कि हम जो भी फूड्स हम खा रहे हैं उस फूड में से हमें उसकी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उसकी जो रियल कंटेंट है हमारे बॉडी में हमें क्या मिल रहा है। ओके, सो हम जो भी फूड खाते हैं, डेफिनेटली आप राइस खाओ या फिर चपाती खाओ, दोनों में से कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे कि वहाँ से भी हमें जो बेसिक यूनिट्स मिल रहा है एनर्जी देने के लिए, और चपाती से भी जो हमें एनर्जी गिविंग जो बेसिक कंटेंट मिल रहा है, दोनों की सेम है। यानी कि हम अगर डिफाइन करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या है, राइट, न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो बेसिक यूनिट जो हमें फूड से मिलता है, यानी कि आप चाहे चावल खाओ या फिर चाहे रोटी खाओ, दोनों में से आपको सेम चीज मिलने वाला है, राइट। सो वो बेसिक कंटेंट जो हमें मिलेगा हम उसको कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो इस तरह से अब अगर हम देखेंगे तो हमारे फूड में जितने भी आप वैरायटी की फूड आप खा सकते हो, किसी भी टाइप की फूड आप खा सकते हो, बट उसमें से मिलने वाले जो बेसिक कंटेंट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए जो बेसिक कंटेंट, केमिकल कंटेंट हमें जो मिलता है, हम उसको कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स की हैं जो आपको पहले भी पता है, वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स एंड नंबर 5 मिनरल्स। दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर फूड, यानी कि हम फूड किसी भी टाइप के खा सकते हैं, बट आपको उन फूड में से आपको जो चीज बेसिक यूनिट्स जो मिलेंगे वो ये 5 रहेगा। और ये जो सीरियलाइज यहाँ पे किया गया है, सबसे पहले टॉप में कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया है, यानी कि हमने जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है उनमें से ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट रहेगा। देन नेक्स्ट में आता है प्रोटीन्स, देन नेक्स्ट में फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये सीक्वेंस ही बता रहा है कि सबसे ज्यादातर हिस्सा जो हमारे फूड का रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा, देन प्रोटीन का, देन फैट्स का, देन विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स एट द बॉटम, ये एकदम लास्ट में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि मिनरल्स हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बहुत ही लेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ये, राइट। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स हमें इतने कम मात्रा में क्यों चाहिए, और नहीं अगर है मिनरल्स तो हमारे साथ किस टाइप की सिचुएशन आ सकता है, किस टाइप की डिफॉर्मेटिव डिजीजेस हो सकता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक यूनिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर में से हम मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस कर लिया, अभी नेक्स्ट आते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है, राइट, सो आपने कई बार अपने टीवीज में, वीडियोस में, यूट्यूब में भी देखा होगा कि बच्चे को कई बार खाना नहीं खाते हुए इस टाइप से आपकी सिचुएशन लाइफ में आ रहा होगा, राइट, और आपकी मम्मी हमेशा आपको डांटते होंगे कि नहीं, ये खाने से आपको इस टाइप की बीमारी हो सकता है या आपको आंखें कमजोर हो सकता है। इसका मतलब आपको ये प्रोवोक कर रहा है
कि आपके खाने में बैलेंस डाइट वाला फूड होना चाहिए। ओके, सो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपके फूड में ये पांचों की पांचों न्यूट्रिएंट्स जो है एक बैलेंस में प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। ओके, यानी कि आपने सपोज मान लिया आप सिर्फ चपाती खाते हो या फिर चावल खाते हो, यानी कि आप में आपको चपाती एंड चावल में से आपको ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको विटामिन या मिनरल्स उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको सपोज मान लिया कि आप सिर्फ चपाती खाना आपको पसंद है और आप सिर्फ रोटी ही खाते हो, यानी कि आपको आपकी बॉडी में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, फिर प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी फूड जो है बैलेंस नहीं है। That means, और हम ये भी देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है हर फूड में अलग अलग क्वांटिटी में मिलता है। जैसे कुछ फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कुछ फूड में प्रोटीन्स ज़्यादा है, कुछ फूड में फैट्स और कुछ में विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, लेकिन किसी किसी फूड ऐसा भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ में उसमें कुछ कंटेंट प्रोटीन का है, कुछ कंटेंट फैट्स का है। सो बैलेंस का मतलब है कि आपकी फूड में अलग अलग जितने भी वैरायटी की फूड आइटम्स है उसमें वेरिएशन होना चाहिए, यानी कि आप चावल भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, चटनी भी खा रहे हो, राइट, या फिर एग्स भी ले रहे हो, राइट। तो ये आपकी फूड में वेरिएशन होना चाहिए ताकि आपको हर इनटेक में, खाने की हर खुराक में आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में मिले, क्योंकि हमारे बॉडी को अगर प्रॉपरली ग्रो करना है तो आपको आपके डेली मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन जो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए, या फिर जितने भी डेड सेल्स है उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए, देन नेक्स्ट फैट्स आपकी बॉडी की जो वॉर्मनेस है वो प्रॉपर मेंटेन करने के लिए चाहिए, और उसी तरह से बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करने वाले ग्लैंड्स को वो प्रॉपर वे में काम करने के लिए मदद करता है। ओके, दैट मींस बैलेंस डाइट मींस ए फूड दैट व्हिच हैज अ वैरायटी ऑफ फूड दैट हैज ऑल द क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रोपोर्शनल पोर्शंस। ओके, सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट था डिफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि हमने अगर हमारे फूड में बैलेंस डाइट नहीं लिया, यानी कि हमारे फूड में वेजिटेबल्स नहीं है या फिर दालें नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? यानी कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कमी होगा, हो सकता है वो फैट्स की कमी हो सकता है वो विटामिन्स की, हो सकता है वो मिनरल्स की। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं। ओके, सो अगर आपके फूड में इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हुआ तो फिर आपको उसकी डिफिशियंसी होगा आपकी बॉडी में, यानी कि आप डिफिशियंसी डिजीज से भुगतना पड़ेगा। ओके, दैट मींस स्पेशली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स की कमी तो हमारे बॉडी में बहुत रेयर अमाउंट में होता है, क्योंकि हम जितने भी फूड्स खाते हैं उसमें मैक्सिमम शेयर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स तो रहता ही है, राइट। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो ज़्यादातर रहते हैं सब्जियों में, यानी कि वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल्स ज़्यादातर जो है बच्चे पसंद नहीं करते, उनको पिज्जा पसंद है, उनको बर्गर पसंद है ना। तो इस तरह से विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हमारे बॉडी में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कम उम्र में ही उनकी आईसाइट कमजोर हो जाता है, यानी कि हियरिंग पावर कभी कभी कमजोर हो जाता है, या फिर उनकी हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं। दैट मींस उनकी बॉडी को जो प्रोपोर्शनेट वे में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनकी अलग अलग डिफिशियंसी डिजीजेस होता है। ओके, सो इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक चार्ट छोड़ा गया था, एक बार चार्ट दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ओके, ये चार्ट है, इस चार्ट को आप दोबारा देखिएगा। इस चार्ट में आपको सभी तरह की डिफिशियंसी डिजीजेस जो आपकी विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से हो सकता है वो दिया गया है। सो यहाँ पे विटामिन ए, यानी कि जो हरी साग सब्जियों में से मिलता है विटामिन ए,
ओके, विटामिन ए बी सी, इस तरह से बहुत सारे विटामिन है जो आपको चैप्टर में और डिटेल में भी मिलेगा। ये हालांकि ये चैप्टर जो है कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए है, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, डिटेल में आप अपना बुक्स को रिविजिट करना ही होगा। ओके, विटामिन ए ये जो है हमारी हरी साग सब्जियों में मिलता है, और अगर आपने हरी साग सब्जियां नहीं खाए हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी जो है आपकी आई साइट को कमजोर करता है, यानी कि आपकी आई साइट कमजोर हो जाएगा। ओके, सो आपको अगर आई साइट स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी आई साइट एकदम नॉर्मल बनाना है, तो फिर आपको विटामिन ए यानी कि हरी साग सब्जी आपको खाना ही होगा। उसी तरह से कुछ मिनरल्स है, जैसे मिनरल्स में से कैल्शियम की मिनरल्स। ओके, ये कैल्शियम मिनरल्स, ये मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में बहुत ही लेस अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए ये, राइट, जिसकी कमी से, जैसे कि मान लिया कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कैल्शियम की कमी से आपकी बॉडी का जो बोन है, वो बोन स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी है, यानी कि बोन कितना ठोस करके भरा हुआ है वहाँ पे, राइट, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कैल्शियम पर। ओके, दैट मींस आपके बॉडी में अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं है, आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की इंटेक कम हो रहा है, उसका मतलब कि आपकी बोन की डेंसिटी कम हो रहा है, यानी कि आपकी बोन ज़्यादा ब्रिटल है, यानी कि कमजोर है। आपको छोटा सा भी एक ठोकर लग गया तो हो सकता है आपकी पाँव की हाथ की हड्डियाँ टूट जाए। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार कहीं बहुत बुरी तरह से वो गिरते हैं फिर भी उनकी हड्डियाँ टूटते नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी ठोकर लगने पर उसकी पाँव की या हाथ की हड्डियाँ टूटते हुए, वो चीज़ हमने कभी अपने लाइफ में गौर किया है। इसका मतलब ये है जो बच्चे की हड्डियाँ जल्दी आसानी से टूट जाता है, थोड़ी सी ठोकर लगने से ही टूट जाता है, उसका मतलब उनके हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम जो है कौन कौन सी फूड सोर्सेज से मिलता है वो हम डिटेल में बुक्स में से हम लर्न करेंगे। ओके, फिलहाल हम ये कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफिशेंसी डिजीजेस क्या होता है, और डिफिशेंसी डिजीजेस से हमारे बॉडी में किस किस टाइप के डिफिशेंसी डिजीजेस होता है। ओके, सो जिस तरह से कैल्शियम बताया, अगेन कैल्शियम जो है इंटरलिंक्ड है विटामिन्स के साथ। आपको पता होगा कई बार आपने वीडियोज में, कई बार आपने जनरल नॉलेज के जीके के क्वेश्चन में ये सब में देखा होगा कि कैल्शियम हम खाते हैं जरूर। ओके, जैसे कि कैल्शियम खाने के लिए, कैल्शियम लेने के लिए आप आइदर दूध लेते हैं कई बार, राइट, सो दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, लेकिन दूध पीते हुए बच्चों को अभी कई बार क्या होता है कि उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होते, इसका मतलब कैल्शियम वो ले रहे लेकिन उसकी बॉडी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, यानी कि उनको फर्दर और एक विटामिन की कमी हो रहा है, और वो है विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम खाने के बावजूद, कैल्शियम रिच फूड खाने के बावजूद आप जो है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, यानी कि विटामिन डी आपके बॉडी में है, आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाएगा। और आपको पता होगा विटामिन डी कहाँ से मिलता है, विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, यानी कि आप अगर सनलाइट में, धूप में आपने खेला है भरपूर, दैट मीन्स आपकी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन डी मिला हुआ है, और विटामिन डी आपको सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ही हेल्प करता है ऐसा नहीं है, विटामिन डी और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि आपकी स्किन की जितनी भी डिजीजेज हैं वो सब भी हेल्प करने के लिए मदद करता है विटामिन डी। ओके, सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में रिवाइज किया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे फूड की मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है जो कि ये है उनकी सेल के मुताबिक, देन बैलेंस डाइट की कंसेप्ट क्या है, राइट, देन लास्ट में हमने देखा इस चैप्टर की की कंसेप्ट डिफिशेंसी डिजीजेस, यानी कि डिफिशेंसी डिजीजेस क्या होते हैं एंड डिफिशेंसी डिजीजेस कैसे हम उसमें से रिकवर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, so this is all about the revision concept of chapter number 2 components of food, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस कंसेप्ट को लर्न करने के बाद बुक्स की जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर पाओगे, और साथ में जितने भी डिटेल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन सी है, किस किस टाइप की है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत
लंबा हो जाएगा एंड बहुत इलाबोरेट हो जाएगा, इसलिए डिटेल में आप जो है वो बुक से ही लर्न करोगे। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड क्या क्या है, प्रोटीन रिच फूड क्या क्या है, फैट्स रिच फूड कौन कौन सी है, विटामिन्स किस किस टाइप के विटामिन से और कौन कौन सी फूड ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें विटामिन्स पाया जाता है, देन मिनरल्स पाया जाता है। ओके सो ये सारी चीज़ें आप जो है डिटेल में अपने बुक से ही लर्न करोगे। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअली इसकी जो की कंसेप्ट है वो ही डिस्कस किया है। ओके सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन और उसमें भी देखेंगे ओनली की कंसेप्ट, ताकि कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए और उसमें दिए गए जितनी भी एक्सरसाइजेज है और डिटेल जो स्टडी है आप अपने चैप्टर से कर सको।